मथुरा में जिला पंचायत के लिए 29 अप्रैल को मतदान होना है। रविवार को नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो गई। नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन जिला पंचायत सदस्य पद के लिए उम्मीदवारों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। इस दौरान आए उम्मीदवारों ने अपनी अपनी जीत का दावा किया। उम्मीदवारों ने विकास के मुद्दे के आधार पर अपने अपने अंदाज में जो कहा वह सुने। पापा जी का सपना है कि वो आगे बढ़ें और कुछ ऐसा बदलाव करें समाज और देश के लिए, तो मतलब जिससे कि कुछ नया हो और इम्प्रूवमेंट आए लोगों में, तो पापा जी का सपना है, उसी को पूरा करने चली हूँ। ये है कि मुख्य रूप से तो हमारे युवाओं और बहन बेटियों के लिए मेरा एजेंडा है, जो प्राथमिकताएं रखी गई हैं। सबसे पहले तो मैं युवाओं के लिए एक बड़ी लाइब्रेरी अपने के शेरगढ़ क्षेत्र में खोलना चाहते हैं, जिससे कि वो शिक्षित होकर के आगे बढ़ें। और बहन बेटियों के लिए हमारे यहाँ कोई कन्या महाविद्यालय नहीं, तो हम पूरी तरीका से हमारी सरकार आने पर हम प्रयास करेंगे कि वहाँ एक कन्या महाविद्यालय का स्थापना कराई जाए। जी, क्या नाम है आपका? मुकेश चौधरी हूँ और 32 जिला पंचायत मथुरा से राष्ट्रीय लोकदल समर्थित प्रत्याशी हूँ। माननीय जैन चौधरी जी के कृपा दृष्टि एवं आशीर्वाद से और मेरी समस्त वार्ड संख्या 32 की सम्मान्य सरदारी के आशीर्वाद से मुझे राष्ट्रीय लोकदल से समर्थन प्राप्त हुआ है। पूर्व में मेरी पत्नी जिला पंचायत सदस्य रह चुकी है विशिष्ट चंचल चौधरी, वो भी राष्ट्रीय लोकदल से थी। और जो है वार्ड नंबर 25 से मेरी बेटी राष्ट्रीय जनहित मोर्चा के समर्थन से, जिसमें 11 पार्टियों का समर्थन मुझे प्राप्त है, रश्मि आनंद, वो जो 25 नंबर से जिला पंचायत का फाइट करें, चुनाव लड़ रही हैं। मेरा नाम हरिओमर बज्जी प्रधान है। मैं 26 नंबर वार्ड से प्रत्याशी हूँ, भीमा आर्मी से प्रत्याशी हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे विकास का मुद्दा रहेगा, और क्या मुद्दा है, जनता का विकास करेंगे। आपके हमारे कुछ कार्य करने के भी हैं और हम भारी बहुमतों से विजयी हों और हम रक्षा करना चाहते हैं जनता के कार्यकाल में। भगत सिंह यादव नाम है, 14 नंबर वार्ड से पर्चा भरा है। आज हमने राष्ट्रीय लोकदल से हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे गांव के देहात के मुद्दे हैं, सड़क के हैं, खरंजा के हैं, पानी के हैं, स्वास्थ्य की बहुत बड़ी समस्या देहात में है। स्वास्थ्य को लेकर इतना देहात में वो है कि अगर कहीं भी कोई बीमार हो जाता है तो कई कई किलोमीटर तक हमारे यहाँ स्वास्थ्य की सेवाएँ नहीं हैं। तो हमारा मेन मुद्दा जो रहेगा, स्वास्थ्य रहेगा, पानी रहेगा, बिजली रहेगी, सड़क रहेगी, खरंजा रहेगा, नाली रहेगा, ये देहात की सारी समस्याएं जब जिला पंचायत लोकदल के पास होगी तो निश्चित ही जिला पंचायत लोकदल के पास होगी तो लोकदल का मानना ही देहात है। विकास का मुद्दा है, मैं पहले प्रम्भु प्रधान रही हूँ, निर्भरो दो BDC निर्भर रही हूँ, ब्लॉक प्रमुख रही हूँ चौमा से।